अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अस्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। तो आइए जानते हैं इसकी क्या रूल्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी सेंटेंस को कि वो इस टेंस से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेन वर्ब कौन सा यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, अब मेन वर्ब में क्या होता है आपका, इसमें यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब आपका यूज़ होते हैं विल, बी एंड शैल बी। ठीक है, ये आपका इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इस टेंस का सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल जो टेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी देखा जाता है। अब सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, जो असर्टिव या सादा या सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाता है वर्ब और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, असर्टिव या अफर्मेटिव आप जब भी कह लें इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा, उससे बाद आपका लग जाता है विल या शैल लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका लग जाएगा नॉट, नॉट के बाद लगा देते हैं बी, और फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। सिमिलरली जब इसको हमने बी से अलग कर दिया है तो इंटेरोगेटिव बनाते वक्त भी हम इसको अलग ही रखेंगे, विल और शैल को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं दोनों को मिला के कैसे बनाया जाता है। ये यहीं आ जाएगा शैल और विल, ठीक है, सब्जेक्ट यहीं रहेगा, और बी से पहले क्या लग जाएगा आपका, नॉट लग जाएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ सिमिलरली क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको जो है जब ट्रांसलेशन की जाती है तो किसी भी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो फिर कैसे पता चलता है कि ये जो है वो इस टेंस का सेंटेंस है। स्पेशली उर्दू या हिंदी के जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके लिए ये है पॉइंट। हम गा गी गे पढ़ चुके हैं फ्यूचर में, ये उसकी पहचान है कि गा गी गे जो है वो फ्यूचर की पहचान है। अब फ्यूचर में कंटिन्यूस हो रहे, जो कंटिन्यू कोई काम होता है तो हम कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। तो सिंपली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये गे गी गा फ्यूचर हो गया, रहे रही रहा कंटिन्यूस हो गया। तो जिस किसी में भी ये चीज़ आए आपकी तो आप ये देखेंगे कि इस टेंस से। ठीक हो गया, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स में पता चलेगा भाई कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। हम ट्रांसलेशन भी ले लेंगे और उसकी जो है वो इंग्लिश भी ले लेंगे। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि तुम कराची जा रहे होगे और मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली ये रहे होगे से आ गया है आपका, यही वाला टेंस है। अब इसको हम, ये सिंपल है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसकी जो है वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। हम लोग ये पहले सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, यू के साथ आ जाएगा विल बी गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, कराची, हो गया, सही है, बहुत इजी। यू विल बी गोइंग टू कराची एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग, और मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप जो है
एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं, स्पेशली क्योंकि आप जो फ्यूचर को कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हो तो आप उस किसी ना किसी चीज़ के साथ उसको जोड़ रहे होते हो, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस बना जाते हैं। एक हम और बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे कब, जब हवा चलेगी। ठीक है, चलें हम इतना ही करते हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, रहे होंगे से इंडिकेट हो रहा है, ये वाला टेंस है। और उसके बाद जब हम देखते हैं सेंटेंस सिंपल अफर्मेटिव असर्टिव, अब जो भी कहें, सादा जुमला है सिंपल। अब परिंदे की इंग्लिश क्या होती है, द बर्ड्स, बर्ड्स क्या, बर्ड्स के साथ भी विल आएगा, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द एयर। खत्म हो गया सेंटेंस। अगर आपने इन्हीं को नेगेटिव बनाना है, क्या करना है आपने नेगेटिव बनाते वक्त, यहाँ पर सिर्फ नॉट लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। इसमें भी सिंपली बी से पहले नॉट लगा देंगे। अगर आपने यही इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव में आपने क्या करना है, इस नॉट को तो वैसे ही हटा देंगे, सिर्फ ये जो विल है ये यहाँ आ जाएगा, बी यहीं का यहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। और अगर आपने दोनों बनाने हैं तो ये यहाँ रहेगा और ये यहीं रहेगा वापस। ठीक है, ये यहीं रहेगा तो दोनों मिलके बन जाएंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर। आप सिर्फ अगर इसी एक का ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके माइंड में ये जो बेसिक पॉइंट हैं वो रहेंगे। आप बाकी जो प्रैक्टिस है वो सेंटेंसेस आप बनाइए और उसको, जो स्पेशली जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं, ठीक है, उनको आप लिख लें और उनकी आप ट्रांसलेशन बना लें, उसके बाद उनको आप बोलना शुरू कर दें। ठीक है, मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ, कोई घोल के नहीं पिला सकता, प्रैक्टिस इज़ द ओनली मेथड टू बी फ्लुएंट। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्योरली आप एक दिन इंग्लिश में जो है वो फ्लुएंसी आ जाएगी आपके। ठीक है, तो यही एक मेथड है जो बेसिक रूल आप ग्रामर के सीख लेंगे, बेसिक टेंसेज होते हैं। ठीक है, टेंसेज आपने समझ लिए तो उसके बाद आपने जोड़ना तोड़ना है बस इन वर्ड्स को। ठीक है, तो होपफुली मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ना भी दिल करे तो डोंट यू वरी, आप बस समझें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।